दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई जय जय स्वस्वरूप ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार आदा सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सचिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दुनिया में सब लोग कर्म की बातें करते हैं, कहते हैं अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करो तो इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो क्या यह सही है? चलिए जानते हैं अपने आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। मेरा प्रश्न है हाउ टू डील विथ डिफिकल्ट पीपल इन लाइफ। हमारे रोज के व्यवहार में मित्रों के साथ परिवार के साथ तन मन अच्छा व्यवहार करते हुए भी वे प्रसन्न नहीं होते, लेकिन बार बार वह हमारी आलोचना करते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मन को कैसे शांत रखे और संभाव रखे? क्या हमारे पूर्व जन्म का कर्म है? सच्ची बात है, हमारे पूर्व जन्म का कर्म के वजह से ही हमारे रिश्तेदार हमको मिलते हैं। और कल ज्ञान मिलेगा तो रिश्तेदारों के साथ कैसे संभाव रखना वो चाबियां भी आपको मिल जाएगी। और ये डिफिकल्ट पीपल जो लाइफ में आते हैं, देखो बिना गलती कोई फल आने वाला नहीं है, विदाउट कॉजेस इफेक्ट आती ही नहीं। तो ये संसार जो भी आपको इफेक्ट भुगतनी पड़ती है वो आपके ही कॉजेस की इफेक्ट है और सामने वाला निमित्त है। यानी जो हम मानते हैं कि ये आदमी की वजह से मुझे इतनी डिफिकल्टी आ गई, वो अपनी रॉन्ग बिलीफ है, हमारी ही गलती का फल देने वाला निमित्त है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे आपने सपोज चोरी की है, किसी आदमी ने चोरी, तो उसको जेल में जाना पड़ता है और पुलिस वाला उसको मारेगा सजा करेगा, तो पुलिस वाला की कुछ गलती है जी? नहीं। हाँ, हमने चोरी की इसके लिए जेल मिली। तो ये मनुष्य जीवन जेल है, हमारी गलतियों का दंड है, इसकी गलती निकालोगे? यानी किसी की गलती मत निकालो, जो आ रहा है जो जो आदमी मिलता है तय करो कि नहीं उसका कोई दोष नहीं है, मेरी गलती का फल मुझे मिलता है, मुझे संभाव से निकाल करना है। जब अपनी गलती हमें एक्सेप्ट हो जाएगी तो फिर नाम सामने वाला गुनहगार नहीं लगेगा। समझ में आता है ना? चोरी आपको ये ख्याल में आ गया मैंने चोरी की थी इसके लिए पुलिस वाला मुझे परेशान करता है, तो फिर पुलिस वाले का दोष नहीं देखेगा। अपनी चोरी के लिए हमारा निश्चय हो जाएगा जिंदगी में चोरी नहीं करनी है कभी। ठीक है। ऐसे संसार में राग द्वेष मोह किए अज्ञानता से, इसके लिए हमें ये सब रिलेटिव्स मिलते हैं। कभी तय करो कि हमें किसी के साथ राग द्वेष मोह नहीं करना है, छूटना है हिसाब पूरा करके। ठीक है। तो आप छूट जाओगे और कल ज्ञान में यही आपको चाबियां मिलती है कि कैसे एक एक व्यक्तियों के साथ वैर जैर पूरा करें। और जब तक पूरा नहीं कर सकते हो वहां तक आप अपने मन में सामने वाले के लिए एक भी नेगेटिव विचार मत होने दो, और हो गया तो दिल से पश्चाताप करते रहो, एक दिन आप छूट जाओगे। ठीक है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत की। कर्म क्या है और कर्म बंधन कैसे होता है? सुना है मनुष्य जन्म में आते ही कर्म की शुरुआत हुई, तो हमारा पहला जन्म किस आधार पर हुआ था? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। कहते हैं कि कर्म के हिसाब से फल मिलता है, पर जिस आदमी ने सबसे पहले जन्म लिया था उसको कौन सा कर्म से फल मिला था? कहाँ है निधि? पहले आदमी क्या है? ये जो थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पंचेंद्रिय जो दिखते हैं उससे आगे चार इंद्रिय वाले जीव है, उससे आगे तीन इंद्रिय वाले जीव है, उससे आगे दो इंद्रिय वाले, उससे आगे एक इंद्रिय, और उससे भी आगे एक भी इंद्रिय प्रकट नहीं, ऐसे आवरण वाले आत्मा है। तो सबसे पहले आवरण वाले आत्मा थे। और संसार में एक जीव मोक्ष में जाता है तब एक जीव व्यवहार में एंटर होता है, तब एक आवरण टूटता है, एक इंद्रिय जीव शुरू होता है। यानी सबसे पहले एक इंद्रिय जीव अपने मनुष्य में, अब मनुष्य लोग देख सकते हैं गुलाब है पोटेटो है, जिसका नाम हुआ वो एक इंद्रिय जीव है, ये पेड़ है, सब जो एनीबा है अमीबा है, ऐसे सब छोटे छोटे जीव जो एक इंद्रिय जीव है वहाँ से शुरुआत होती है।
और अपने आवरण टूटते 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 एक इंद्रिय में से दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय में, पंच इंद्रिय अपने आप होते जाता है। वो चिंपांजी देखा है ना आपने, बंदर? हाँ। वो मनुष्य के पहले वहां होते हैं और वहां से धीरे धीरे डेवलपमेंट में आगे आते हैं। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कर्मों के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि जब हमारा जन्म होता है तो हम हमारे पिछले जन्म से साथ में क्या लाते हैं? अगर सभी कुछ हमारा पिछला हिसाब ही है तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? चलिए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारा जीवन है ये किस थ्योरी पे चलता है? हर एक थ्योरी पे है ना? वो बताऊंगा मैं। हाँ जी। नहीं ऐसे स्टेपवेल रहती है ना बावड़ी, पानी की वेल नहीं, बावड़ी में नीचे उतरता है। हाँ। और बावड़ी में उतर के बोलेगा तू चोर है, तो ऐसे प्रतिघोष आएगा तू चोर है तू चोर है। तो ये भी कौन, ये चोर कौन सुनाता है हमें? दीवार बावड़ी की। तो संसार भी ऐसा ही, आप कुछ भी प्रोजेक्शन किया, एक्शन करते हो आप अज्ञानता से, उसका फल आपको कोई भी निमित्त से भुगतना पड़ता है। कोई भगवान अपने दखल कर नहीं सकता, आपका स्वरूप ही भगवान है, भीतर में आत्मा वही भगवान है, वही आपका स्वरूप है। और आपके कार्य में दखल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ प्रकाश दिया है। जैसे ये प्रकाश देती है लाइट, हम पढ़ सकते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसे मच्छर दे के मारेगा नहीं, मारता है मच्छर, लाइट में दिखेगा, अंधेरे में दिखेगा नहीं। तो लाइट का उपयोग वो दुरुपयोग कर रहा है मच्छर देखने के लिए। कोई मच्छर को बचाएगा या कोई पढ़ाई करेगा, चित्र करेगा, अकाउंट सीखेगा? तो लाइट का अपनी अपनी बुद्धि से लोग उपयोग करते हैं, और ज्ञानी शुद्ध उपयोग करते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, भगवान के साथ अभेद हो जाते हैं। तो प्रकाश स्वरूप जैसा ये लाइट है, वो कुछ भी नहीं करती, फिर भी उनके प्रकाश में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे आत्मा भी कुछ नहीं करता, उनके प्रकाश में अहंकार और बुद्धि सब प्रकार के कार्य करते हैं। समझ में आया आपको? हाँ। तो ये हमारा रोल क्या है? तो हम कर्ता भाव से कर्म बांधते हैं और बाद में भोक्ता भाव से हम दूसरी लाइफ में भुगतते हैं। तो भुगतने के टाइम अज्ञानता के वजह से वापस नया कर्म बांधते हैं, मैंने किया अभी सही नहीं हुआ, मैं अच्छी तरह करूंगा, ऐसे भाव करके नया कर्म बांधते हैं। यानी इस लाइफ में हमारा काम क्या है? नया कर्म बांधने का, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। कर्म फल भुगतने में इतना 1% भी हम चेंज नहीं कर सकते, जन्म से लेके मृत्यु तक सिर्फ अहंकार करते हैं और दूसरा भाव बांध लेते हैं। यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है ना जी। हाँ। कि जो पिछले जन्म का है वो हमारे को आज भुगतना पड़ रहा है, पड़ रहा है। जो हो रहा है वो हमारे पिछले जन्म के फलों के आधार पे हो रहा है। एग्जैक्ट। ठीक है। तो लेकिन जो पीछे हम जो भी कोई कार्य करते हैं जब वो पहले से ही तय है, तो फिर हम उसके चेंज कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसमें बीज सुधार सकते हो, फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आम का बीज डाला है तो आम का फल आएगा। अभी आपको चीकू चाहिए तो चीकू का बीज डालो तो चीकू आएगा। नारियल चाहिए तो नारियल का बीज डालो, जो फल चाहिए उसके बीज डालो, और नहीं चाहिए तो बीज डालना बंद कर दो तो मोक्ष होएगा। फल तो भुगतने ही पड़े, कृष्ण भगवान को भुगतने पड़े, महावीर भगवान को भुगतने पड़े, रामचंद्र जी को भुगतने पड़े, छुटकारे। तो जैसे बोलते हैं कि किसी के पास, पंडित के पास चले गए लोग, बहुत से लोग ऐसे जाते हैं, तो पंडित के पास चले गए, उसने कहा ये ग्रह दशा चल रही है तो इसमें आप ऐसा करिए वैसा करिए तो ये चेंज हो जाएगा। और हुआ? तो जब वो चेंज नहीं होता तो ये एक मिथ्या है ना? नहीं मिथ्या नहीं है, निमित्त है। हाँ। वो निमित्त है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, बहुत सारे एविडेंस में, एक ज्योतिष का भी निमित्त है, पूजा का भी निमित्त है, मंत्र जाप का निमित्त है, और उसका पुण्य का हिसाब होएगा तो चेंज यानी शांति मिलेगी, और पुण्य का हिसाब नहीं होएगा तो कुछ चेंज नहीं होएगा और दुखी दुखी हो जाएगा, कितने करते हुए भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये निमित्त है, निमित्त यानी वन ऑफ द एविडेंस, यानी अभी उसको संजोग मिला है तो करने दो, नहीं मिला तो नहीं करो। मगर अध्यात्म दृष्टि क्या बताती है? अध्यात्म दृष्टि ये बताती है कि हमें जो भी कर्मफल भुगतने हैं उसमें नए एक बीज ना गिरे, उतना पुरुषार्थ करो, भुगतने का तो छूटेगा नहीं। और जो कुछ बोले गए, कोई बताएगा अरे इतना मंत्र करो, भगवान का नाम लो, शांति होगी, तो करो। पर हम समझना है कि ये निमित्त है, हम तो ये निमित्त से हमारा कर्म का फल जो भुगतना है वो तो भुगतते ही रहे, भुगतते गए ही, फिर भी हम प्रार्थना करेंगे तो निमित्त है प्रार्थना, उसे थोड़ी अंतर शांति बढ़ेगी और दूसरे भव के कर्म बांधने में थोड़ा
शांति रहेगी उसको, अच्छे बुरे कर्म कम बांधेगा, अच्छे कर्म ज्यादा बांधेगा, उतना फर्क होएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, लेकिन जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, छोटा जब जन्म लेते ही कोई बीमार हो जाता है, तो वो अभी तो उसने कोई कर्म किया ही नहीं है, तो वो पिछले जन्म से ही है उसका, प्रूव हो गया है ना, प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया का ही जन्म का फल इस लाइफ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो छोटा बच्चा फैक्ट्री का मालिक हो जाता है, छोटे सेठ है ना, उसको अभी दूध पीने का मालूम नहीं है और छोटे सेठ हो जाता है, तो पुण्य का फल उसको सेठ बना देता है ना, तो पूर्व का पुण्य है ही, पूर्व का ही फल है इस लाइफ। तो जो अभी हम करते हैं वो अपनी किस बुद्धि से हम अपने आप को सुधार सकते हैं, बस ये जानना चाहता हूँ। वो क्या है कि मनुष्य का डेवलपमेंट होता है, जैसे चौथी स्टैंडर्ड से पांचवी में जाता है, पांचवी में से छठी में जाता है, ऐसे संसार एक संसरण मार्ग है, मोक्ष का रास्ता जो बोलता है, संसार की बिगिनिंग से मोक्ष तक का, तो कोई 15 माइल पे है, कोई 25 माइल पे है, कोई 80 माइल पे है, और डेवलपमेंट बोला जाता है उसकी, आध्यात्मिक समझ उपादान। तो वो आध्यात्मिक समझ जिस प्रकार की ऊंची है, तो कोई अपमान करेगा तो शांत रहेगा कि नहीं मुझे झगड़ा नहीं बढ़ाना है, तो उसकी समझ उसको जागृत, उसको जागृति आती है और वो झगड़ा कम करता है, तो उसको उपादान बोला जाता है। और वही बीज डालने का है, यानी 80 माइल पे है तो 80 में से 81 माइल का बीज वो डालेगा, और किसी की समझ बिगड़ गई, सारे को सीधा करना चाहिए, तो 45 माइल पे है तो झगड़ा करेगा और वैर बढ़ाएगा, यानी डेवलपमेंट है। कितना क्रोध मान माया लोभ कम करना या तो पश्चाताप लेना, वो उसका डेवलपमेंट बोला जाता है। जितना क्रोध मान माया लोभ के ऊपर पश्चाताप करता है, ये नहीं करना चाहिए, तो उसकी डेवलपमेंट ऊंची बोला जाता है। और क्रोध मान माया लोभ से ज्यादा वैर जैर बढ़ाता है, झगड़ा करता है, तो डेवलपमेंट कम बोला जाएगा, वो डेवलपमेंट के हिसाब से वो कर्म बांधता है। समझ में आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत की। क्या हम हमारे वाणी विचार वर्तन से कर्म बांधते हैं या सिर्फ भाव ही काफी है? कहते हैं हमारे कर्म के ऊपर ही हमारी नेक्स्ट गति निश्चित है, तो क्या कभी हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा होगा? क्या हम मोक्ष गति को प्राप्त कर सकेंगे? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। जय सच्चिदानंद। हाँ जी बोलिए। भाव उत्पन्न होने से क्या होता है, और जब हम किसी के प्रति भाव बनते हैं हमारे, जैसे किसी को हमने देखा परेशान है वो भाव बने हमारे, या कोई टीवी देखा उसमें भाव बन रहे हैं, वो उसका क्या? अलग अलग है। ये संत महंत को देख के भाव होता है, वो प्रभाव बोला जाता है, उससे हमारी ऊर्ध्वगति होती है, बीज गिरेंगे अच्छे। और ये एक्ट्रेस एक्ट्रेस एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं तो भाव अधोगति के गिर जाएंगे, मोह के भाव गिरेंगे, और मोह से हम नीचे गिरेंगे, स्लिप होते जाएंगे। और ये धर्म के भक्ति के भाव से हम ऊर्ध्वगति में जाएंगे। वो हमने जैसे भाव बने हो, वो कोई देखा सीरियल या कोई कुछ देखा, उसका फिर पश्चाताप वगैरह हम करें या ये मोह में हम समझना चाहिए, ड्रामेटिक है, उसमें मोह करने जैसा नहीं है। इतनी जागृति रखो, ये ड्रामेटिक कर रहे हो लोग, सच्चा कोई विलन, सच्चा विलन नहीं हो तो दिल में बहुत अच्छा होगा बाहर तो, मगर विलन का रोल कर रहा है। तो हम रोल में द्वेष कर देते हैं, और थोड़ा मोह दृष्टि से भी देखते, विकारी दृष्टि से, क्या पहना है, कैसे कपड़े हैं, कैसा रूप है, मोह करते हैं, और मोह से हम बुरे बीज डालेंगे। समझ में आता है आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों तो एक छोटा सा भाव ही हमारे अगले जन्म की मन वचन काया की बैटरी को चार्ज करता है, और हमारे संसार व्यवहार की घटमाल को चलाता रहता है। ज्ञानी से ज्ञान पाकर ही इन सारे कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए आत्मज्ञानी से ज्ञान पाने के लिए, अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1-877-505-3232 extension 23, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद। अब प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।